हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू ओरेंडी केरला। आज मैं आप लोग के लिए केरल की स्पेशल स्नैक मुरकू रेसिपी दिखाती हूँ। मुरकू मतलब हमारा चकली है ना, वो ही है। ये केरल में बहुत आसानी से बनाते हैं। कैसे बनाते करके हम देखते हैं, चलो। हाय फ्रेंड्स, चकली नहीं तो मुरकू बनाने के लिए मैंने इधर एक कुकर में एक कप उड़द दाल डालती हूँ। ये उड़द दाल मैंने अच्छा से पानी में दो तीन बार साफ करके लिया है। पानी में उड़द दाल भिगा के रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं 1.5 कप पानी डालती हूँ। थोड़ा उड़द दाल इसमें चिपका था, वो पानी का साथ डाला है। और थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ। टोटल मैंने 1.25 कप पानी डाला है। अभी हम कुकर बंद करके 3 विसिल तक कुक करने के लिए रखती हूँ। 3 विसिल तक कुक हो गया है। कुकर थोड़ा ठंडा होने के बाद हम ओपन करके देखती हूँ। देखिए, हमारा उड़द दाल अच्छा से कुक हो गया है। पानी भी थोड़ा सा बाकी है, वो पानी के साथ हम पीसने के लिए डालती हूँ। दूसरा पानी डालने के लिए ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए, ज़्यादा पानी है तो चकली की डो ज़्यादा लूज हो जाएगा। अभी हम एक मिक्सी का जार में ये उड़द दाल डाल के देती हूँ। इसमें पानी ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा पानी डालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये हम एकदम फाइन पेस्ट में पीस के लेके आती हूँ। उड़द दाल अच्छा से पीस के लिया है, ये मैंने एक बाउल में डाल के देती हूँ। और इसमें डालने के लिए चाहिए 2 कप रोस्टेड राइस पाउडर। अभी मैंने 1 कप डाल के मिक्स करती हूँ। ये अच्छा से मिक्स हो गया है। और 1 कप राइस पाउडर बाकी है ना, वो भी डालती हूँ। और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल के साथ में मिलाती हूँ। पहले में डालते हैं 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा की टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो और 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालते हैं 2 टीस्पून काला वाला तिल। आप लोगों का चाहिए तो वाइट वाला तिल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डालती हूँ हींग। मैंने थोड़ा सा हींग पाउडर डालते हैं। और हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। अभी स्पून वगैरह निकाल के हाथ से अच्छा से मिला के देती हूँ। हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और मैंने इसमें 1 टीस्पून घी डाल के एक और बार अच्छा से मिला के देती हूँ। पूरे इंग्रेडिएंट्स डालने के तभी डाल दीजिए, मैंने सच में भूल गया है, इसलिए अभी डाला है। और आप लोगों को तिक्का टेस्ट चाहिए तो चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, हमारा चकली की डो रेडी हो गया है। चकली बनाने के लिए मैंने इधर ऐसा वाला सेव मेकर यूज़ करते हैं। ये पित्तल की सेव मेकर है। ये पीछे से खोल के लेते हैं और हमको कौन सा जाली चाहिए वो डाल के यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये स्टार वाला यूज़ करते हैं, हमारा कॉमन शेप की चकली की। और ऐसा सिंपल होल वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मैंने टाइट करती हूँ। और भी जालीस इसमें अवेलेबल है, हमारा नूडल्स और इडियप्पम वगैरह बनाने के लिए। आप लोग को ऐसे पित्तल का सेव मेकर चाहिए तो हमारा ओथेंटिक केरला शॉप में मिल जाएगा, shop.authentickerala.in। अभी हम सेव मेकर ओपन करती हूँ। आप लोग को चाहिए तो थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन ये पित्तल का है ना, इसके लिए स्टिक नहीं होता है। इसमें हम डो डाल के देती हूँ। डो अच्छा से भर के रखा है, अभी हम बंद करती हूँ। और हम ऐसे वाला एक छोटी सी स्टील प्लेट ले लीजिए और पीछे साइड दिखने के जैसे रख दीजिए। ये पीछे साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा के दे दीजिए और सेव मेकर ये प्लेट के ऊपर पकड़ के धीरे से राउंड मार के देती हूँ। हमारा कॉमन चकली का शेप में बनाते हैं। आप लोग को ज़्यादा लेयर वाला चकली चाहिए तो ऐसे भी बना के ले सकते हैं। मैंने मीडियम लेयर वाला चकली बनाते हैं, बच्चे लोगों को वही पसंद है। और चकली बनाने के लिए बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक स्टील प्लेट में थोड़ा ऑयल लगा के बना के ले लीजिए, स्टिक नहीं होते हैं। ऐसे मैंने पूरा बना के लेती हूँ। चकली फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई गरम करके उसमें ऑयल डाल के देती हूँ। मैंने इधर पाम ऑयल यूज़ कर रहा है, आप लोग को कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा कोकोनट ऑयल नहीं तो पाम ऑयल यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल थोड़ा महंगा है, इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाने के लिए तो पाम ऑयल यूज़ करते हैं।
ऑयल अच्छा से गर्म हो गया है, इसमें हम बना के रखा वाला चकली डाल के देती हूँ। चकली डाल के 2-3 सेकंड के बाद मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए, नहीं तो चकली का अंदर अच्छा से कुक नहीं होते हैं। बीच बीच में गैस फुल फ्लेम पे रखे, ऑयल और गर्म करना भी चाहिए और चकली भी बीच बीच में उल्टा करके डालना चाहिए। देखिए हमारा चकली रेडी हो गया है, ऐसे पूरा मैं बना के लेती हूँ। और एक बात है, आप लोगों को चाहिए तो ऐसे ऑयल में डायरेक्ट डाल के बना के ले सकते हैं। देखिए हमारा चकली रेडी हो गया है, हमारा सॉफ्ट एंड क्रिस्पी चकली। आप लोग भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए, बहुत आसानी से हम बनाए ना। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट भी कर दीजिए। और आप लोगों को प्योर कोकोनट ऑयल, गरम मसाला और बाकी स्पाइसेस वगैरह कुछ चाहिए तो shop.odnikerala.in में मिल जाएगा। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया वाला प्योर इंडिगो पाउडर और हेन्ना पाउडर भी, जल्दी से जल्दी मैं हमारा ऑनलाइन शॉप में ऐड करती हूँ। उसका प्रोसेसिंग चालू है, इसके लिए थोड़ा वेट कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।